everyone, welcome back to my channel Ruchi's Happy Place. I hope you all are doing good. Friends, आज का वीडियो एक होम डेकोर हॉल वीडियो है और सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर 500 हैं. So without wasting much time, let's do the unboxing and let me share the honest review with you all. So let's get started. First product जो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ वो है एक jute rug. I like jute rugs. इस टाइप के rugs आपके हाउस के किसी भी कॉर्नर को एक ब्यूटीफुल लुक दे देते हैं. मैंने इस रग को 464 रुपीस में बाय किया है. क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है. साइज भी इसका काफ़ी अच्छा है. इसमें जो टेसल्स लगे हैं उन्होंने इसे और भी सुंदर बना दिया है. अगर आपको इस टाइप के रग्स अच्छे लगते हो तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो. बहुत ही फाइन क्वालिटी है और मैं इसे लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है तब से यूज़ कर रही हूँ. अभी तक कोई मुझे इसमें फॉल्ट नहीं लगा है. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस रग. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये ब्यूटीफुल सा टेबल रनर. कॉटन इसका मटेरियल है. प्रिंट क्वालिटी एंड कलर वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टेबल रनर. मैंने इसे 329 रुपीस में बाय किया है. समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये टेबल रनर. कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं निकला था. बहुत ही फाइन वर्क इसके ऊपर हुआ है. मेरा डाइनिंग टेबल 4 सीटर है तो उस पर काफ़ी लंबा ये फिट आया है. अगर किसी का 6 सीटर डाइनिंग टेबल है तो उस पर ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा. अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो. क्वालिटी एंड प्राइस वाइज कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये ब्यूटीफुल सा वाज. काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ. इसकी काफ़ी टाइट पैकेजिंग थी डेफिनेटली ताकि ये ब्रेक ना हो. सेरामिक मटेरियल का ये वाज है. क्वालिटी वाइज और फिनिशिंग वाइज मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. मैंने इसे 181 रुपीज़ में बाय किया है. काफ़ी यूनिक वाज मुझे ये लगा. अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो. और हाँ, इसका साइज भी काफी अच्छा है और ये बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है. सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्लेन साटन सिल्क पिलो कवर्स. इसके साथ 3 स्क्रंचेस फ्री आई है. गर्ल्स की हेयर केयर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये 3 स्क्रंचेस फ्री में दी है. पिलो कवर एकदम सिल्की सॉफ्ट है. इन पिलो कवर्स का साइज काफ़ी अच्छा है और स्टिचिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. मुझे ये पिलो कवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. मैंने ये पिलो कवर्स 149 रुपीज़ में बाय किए हैं. प्राइस वाइज भी ये पिलो कवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. साटिन पिलो कवर्स आर गुड फॉर हेयर एंड स्किन. क्वालिटी एंड साइज दोनों ही इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है. इस पिलो कवर में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है क्यूट क्रिसेंट मून कपल डॉल्स. ये मिनिएचर्स हैं. रेजिन इसका मटेरियल है. क्वालिटी इज वेरी गुड. दे आर वेरी क्यूट बट हाँ दे आर स्मॉल ऑल्सो. बट हाँ, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन था कि ये मिनिएचर्स हैं तो डेफिनेटली इनका साइज जो है वो छोटा ही होगा. आई लाइक देम सो आई एम कीपिंग देम. और हाँ, मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है 150 रुपीज में. प्राइस वाइज भी थोड़ा सा मुझे ये एक्सपेंसिव लगा बट मुझे इस तरह की क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं. तो हाँ, मैं इनको रख रही हूँ. अगर आपको भी मेरी तरह इस तरह की क्यूट चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वॉल हैंगिंग. वुडन इसका मटेरियल है. ब्यूटीफुल प्रिंट इसके ऊपर बना हुआ है. राउंड डेकोर है ये. इसको स्टिक करने के लिए बैक साइड पर डबल साइडेड टेप लगी हुई है. क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है. इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट एंड कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. आप वो भी चेक कर सकते हो. मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है 141 रुपीज़ में. सो प्राइस वाइज भी मुझे ये ओके लगा प्रोडक्ट. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो.
Now the last product of today's haul is this plant stand. देखने में तो काफी अच्छा है ये प्लांट स्टैंड, बट इट्स नॉट स्टर्डी, अच्छे से बैलेंस नहीं बन पा रहा था। काफी लाइट वेट का था ये प्लांट स्टैंड, मटेरियल इसका आयरन था, बट आप इसके ऊपर कोई बड़ा फ्लावर पॉट नहीं रख सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा हिलाने पर ही ये स्टैंड जो था गिर जाएगा, सो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फिट नहीं बैठा, सो आई एम रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट। मैंने इस प्लांट स्टैंड को बाय किया था 317 रुपीज में। सो गाइज, आज का हॉल वीडियो यही एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।